राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। वट सावित्री व्रत पर क्या करें और क्या ना करें, जान लें 10 खास बातें। पति की उम्र होगी लंबी, दाम्पत्य जीवन रहेगा सुखमय। सावित्री व्रत पति की लंबी आयु और संतान सुख के लिए रखा जाता है। वट सावित्री व्रत में क्या करें क्या ना करें, व्रत के नियम क्या हैं, इन सब के बारे में जानना जरूरी होता है। आपकी एक गलती से व्रत निष्फल हो सकता है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को है। इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा होती है, इसलिए इसे बरगदही अमावस्या भी कहा जाता है। वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखते हैं। यह व्रत उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या को रखते हैं, जबकि दक्षिण भारत में वट सावित्री व्रत पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाओं को पूजा और व्रत के समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे आपका व्रत सफल होगा और पति दीर्घायु तथा दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। वट सावित्री व्रत के दिन क्या करें और क्या ना करें। वट सावित्री व्रत में ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। नंबर एक, वट सावित्री व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, तो इस दिन जीवन साथी को वाद विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नंबर दो, व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। सहवास से बचे मांस मदिरा या अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन पति और पत्नी दोनों को ही नहीं करना चाहिए। नंबर तीन, जो व्रत रखा है उसे गलत कार्यों से बचना चाहिए। व्रत हमेशा मन वचन और कर्म की शुद्धता के साथ करना चाहिए, तभी वह फलित होगा। किसी के प्रति घृणा या द्वेष ना रखें। नंबर चार, वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं काला, नीला और सफ़ेद रंग का उपयोग अपनी श्रृंगार या कपड़ों में ना करें, जैसे इन रंगों की चूड़ी, साड़ी, बिंदी आदि का प्रयोग ना करें। नंबर पाँच, यह व्रत अखंड सौभाग्य का है, इसलिए व्रती को 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके लिए व्रत से पहले ही व्यवस्था कर लें। नंबर छः, व्रत वाले दिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग का उपयोग करना चाहिए। इन रंगों को शुभ माना जाता है, जैसे लाल या पीली साड़ी, हरी चूड़ी, लाल बिंदी, महावर आदि। नंबर सात, पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करें। यमराज से सावित्री को 100 पुत्रों की माता और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिला था। नंबर आठ, पूजा के समय वट वृक्ष में कच्चा सूत 7 बार लपेटें। 7 बार पेड़ की परिक्रमा करते हुए सूत को लपेटा जाता है। इस व्रत का पारण भीगे चने खाकर करते हैं। नंबर नौ, पूजा करते समय आपको वट सावित्री व्रत कथा यानी सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। नंबर दस, पूजा खत्म होने के बाद माता सावित्री और वट वृक्ष से सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद लेते हैं। वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है? वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ में त्रिदेव, जड़ में ब्रह्मा, तन में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का आवास होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन माता सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान को छीन कर ले आई थी। कहते हैं इस व्रत को जो भी सुहागिन महिला
करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नोट कर लें, नंबर एक, व्रत के दिन महिलाएं काला, नीला और सफ़ेद रंग का उपयोग अपने श्रृंगार या कपड़ों में ना करें। नंबर दो, व्रत हमेशा मन, कर्म, वचन की शुद्धता के साथ करना चाहिए, तभी वह फलित होता है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको ये पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कॉमेंट बॉक्स में जय सावित्री सत्यवान लिखें। राधे राधे।